Good evening everyone, welcome to the Savira classes. In this video I will discuss about level of automation. Chaliye start karte hain. Automated system can be applied to various level of factory operation, yani ki automated system ko factory operation mein various level par apply kar sakte hain. One normally associates automation with the इंडिविजुअल प्रोडक्शन मशीन, यानी कि एक तो सामान्यतः इंडिविजुअल प्रोडक्शन मशीन के साथ ऑटोमेशन को एसोसिएट करते हैं. हाउएवर द प्रोडक्शन मशीन इट्सेल्फ इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम दैट मे देमसेल्फ बी ऑटोमेटेड. हालांकि प्रोडक्शन मशीन अपने आप में सब सिस्टम में बना होता है जो कि वो अपने आप ही ऑटोमेट हो सकता है. इस एग्जांपल देखते हैं सीएनसी मशीन. एक मॉडर्न सीएनसी मशीन टूल हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम से कंपोज्ड होता है. अगर हमको लेवल ऑफ ऑटोमेशन समझना है तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी ऑटोमेटेड पार्ट हैंडलिंग सिस्टम को किसी भी दो या तीन मशीन टूल से अगर उसे हम ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उससे कंप्यूटर कंट्रोल से ऑपरेट करना होता है और साथ ही साथ मशीन टूल कंप्यूटर से भी इंस्ट्रक्शन मींस प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोग्राम देते हैं मशीन को चलने के लिए रिसीव करता है. और इस तरह यहाँ पर तीन तरह का ऑटोमेशन लेवल और उसका कंट्रोल होता है. जैसे कौन कौन होगा, पहला पोजिशनिंग सिस्टम लेवल, सेकेंड मशीन टूल लेवल और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लेवल. पहला क्या होगा, पोजिशनिंग सिस्टम लेवल में कि जो मेरा ऑटोमेटेड पार्ट हैंडलिंग सिस्टम है और जो मशीन टूल का जो कम्बिनेशन है ये क्या दिखा रहा है कि पोजिशन मेरा कहाँ पर है, मशीन मेरा कहाँ पर है, किस तरह से अटैच है. सेकंड जो लेवल मेरा है वो है मशीन टूल लेवल. इसमें यह बता रहा है कि मशीन टूल जो काम करेगा उसके लिए प्रोग्रामिंग क्या दिया गया है, उसमें पार्ट प्रोग्राम क्या दिया गया है, कैसे काम करेगा. और तीसरा लेवल जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लेवल, जो मेरा पार्ट प्रोग्राम रन करेगा, रन करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये है मेरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लेवल. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेशन को इसी तरह हम लेवल में डिवाइड करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इसे कितने तरह में क्लासिफाइड किया गया है. पहला है डिवाइस लेवल, सेकेंड है मशीन लेवल, थर्ड है सेल और सिस्टम लेवल, फोर्थ है प्लांट लेवल और फिफ्थ है इंटरप्राइज लेवल. जो डिवाइस लेवल है इसे बोलते हैं लोवेस्ट लेवल और जो इंटरप्राइज लेवल है इसे बोलते हैं हाईएस्ट लेवल. कहने का मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो हाईएस्ट लेवल से मींस इंटरप्राइज लेवल से डिवाइस लेवल की तरफ उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जो वर्क है लोवेस्ट लेवल मीन्स कि डिवाइस लेवल से हाईएस्ट लेवल मीन्स इंटरप्राइज लेवल तक काम करते हैं. तो जो काम होगा डिवाइस लेवल से स्टार्ट होगा और जाएगा इंटरप्राइज लेवल तक. जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो निर्देश होंगे, वो स्टार्ट होगा कहाँ से, इंटरप्राइज लेवल से, हाईएस्ट लेवल से और जाएगा लोएस्ट लेवल पर. तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट है डिवाइस लेवल. दिस इज द लोएस्ट लेवल इन द ऑटोमेशन हायरार्की. या ऑटोमेशन हायरार्की में लोएस्ट लेवल होता है. इट इंक्लूड्स द एक्चुएटर, सेंसर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कंप्रोमाइज द मशीन लेवल. इसमें एक्चुएटर, सेंसर और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट इंक्लूड होता है. जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्चुएटर क्या होता है. एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोलर के सिग्नल को फिजिकल पैरामीटर में चेंज करता है. सेंसर ये भी देख चुके हैं हम लोग. सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से फिजिकल वेरिएबल को पहचाना जाता है तथा उसे सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है. और इस तरह के और भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो मशीन लेवल से अटैच होते हैं. द डिवाइस आर कंबाइंड इनटू द इंडिविजुअल कंट्रोल लूप ऑफ द मशीन. फॉर एग्जांपल द फीडबैक कंट्रोल लूप फॉर वन एक्सिस ऑफ द सीएनसी मशीन और वन ज्वाइंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल रोबोट. जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर डिवाइस मशीन के इंडिविजुअल कंट्रोल लूप के साथ कंबाइंड होता है.
जो कि फीडबैक कंट्रोल लूप है और इंडस्ट्रियल रोबोट है। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, मीन्स कि फीडबैक कंट्रोल लूप सिस्टम, इसमें आउटपुट वेरिएबल को इनपुट पैरामीटर से कंपेयर करते हैं। और अगला जो है इंडस्ट्रियल रोबोट, यह एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। यह ऑटोमेटेड और प्रोग्रामेबल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है मशीन लेवल। हार्डवेयर एट द डिवाइस लेवल इज असेंबल्ड इनटू इंडिविजुअल मशीन। डिवाइस लेवल का हार्डवेयर इंडिविजुअल मशीन में असेंबल होता है। एग्जांपल इंक्लूड सीएनसी मशीन टूल एंड सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट, कॉमा इंडस्ट्रियल रोबोट, पावर कन्वेयर एंड ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। कहने के मतलब सीएनसी मशीन टूल और इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल रोबोट, पावर कन्वेयर और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल होता है। अब देखते हैं कि जो मेरा सीएनसी मशीन टूल होता क्या है। मशीन टूल क्या है? मशीन टूल एक ऐसी मशीन है जिसका काम मेटल या किसी रिजिड मटेरियल का मशीनिंग करना, जैसे कटिंग, बोरिंग, शेयरिंग या कोई और भी ऑपरेशन करना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं मशीन टूल का, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, सेपर मशीन, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद आता है मेरा क्या, इंडस्ट्रियल रोबोट, पढ़ चुके हैं पहले। पावर कन्वेयर, यह एक रोलर कन्वेयर होता है जिससे पावर मोटर द्वारा चलाया जाता है। इसका उपयोग पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। अगला मेरा है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यह एक पोर्टेबल रोबोट होता है जिसका उपयोग शॉप फ्लोर पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेवल है सेल और सिस्टम लेवल। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग सेल और सिस्टम लेवल व्हिच ऑपरेट्स अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्लांट लेवल। मैन्युफैक्चरिंग सेल और सिस्टम प्लांट लेवल से दिए गए इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट करता है। अ मैन्युफैक्चरिंग सेल और सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मशीन्स और वर्क स्टेशन कनेक्टेड एंड सपोर्टेड बाई अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कॉमा कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेल या सिस्टम एक ग्रुप होता है मशीन या वर्क स्टेशन का जो कनेक्टेड होता है, और इसका सपोर्ट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कंप्यूटर या दूसरा अप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा होता है। प्रोडक्शन लाइंस आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। प्रोडक्शन लाइन को इस लेवल में इंक्लूड करते हैं। फंक्शंस इंक्लूड पार्ट डिस्पैचिंग एंड मशीन लोडिंग, कोऑर्डिनेशन अमंग मशीन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंस्पेक्शन डाटा। यानी कि इसमें फंक्शन इंक्लूड होता है जैसे कि पार्ट डिस्पैचिंग और मशीन लोडिंग, जो कि एक दूसरे मशीन और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से कोऑर्डिनेशन करता है और इंस्पेक्शन डाटा को कलेक्ट और इवैल्यूएट करता है। इसमें हम देखें कि मशीन लोडिंग क्या होता है, मशीन में लोड करता है सामान को। कोऑर्डिनेशन अमंग मशीन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो भी मेरा मशीन है और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उससे क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और डाटा को जो है कलेक्ट और इवैल्यूएट करता है। इस तरह मेरा अगला लेवल है प्लांट लेवल। दिस इज द फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम लेवल। यह फैक्ट्री या प्रोडक्शन सिस्टम लेवल होता है। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांसलेट देम इनटू ऑपरेशनल प्लान फॉर प्रोडक्शन। यह कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और इसको प्रोडक्शन के लिए ऑपरेशन प्लान में ट्रांसलेट करता है। लाइकली फंक्शन इंक्लूड ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोसेस प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें यह सभी फंक्शन इंक्लूड होते हैं, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेस करना है ऑर्डर को उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा ऑर्डर प्रोसेस करना है। नेक्स्ट है प्रोसेस प्लानिंग,
हमें कौन सी प्रोसेस करनी, उसकी प्लानिंग करनी होती है। अगला है इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल का स्टॉक देखते हैं कि कितना मेरा बाहर से आया, कितना मेरे पास बफर स्टॉक है, और प्रोडक्ट बनने के बाद मेरे पास कितना फिनिश प्रोडक्ट है और उसके मेरा कितना बफर स्टोरेज है, क्योंकि मेरा डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसको देखते हुए हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं अपने प्रोडक्ट का। परचेजिंग, सामान की खरीद करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, चाहे जो भी प्रोडक्शन में जो भी टूल जो भी इक्विपमेंट लगता है उसका परचेजिंग करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसको समझते हैं। यह प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। क्या होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग? यह प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। अगला है शॉप फ्लोर कंट्रोल, जहाँ पर हमें मशीनें रहती है, एक्चुअल वर्क करती है, उस फ्लोर पर हम कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल, कि मेरा जो सामान बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी पार्ट्स बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर चलते हैं अगले लेवल पर, इंटरप्राइज लेवल। दिस इज़ द हाइएस्ट लेवल कंसिस्टिंग ऑफ द कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यह हाइएस्ट लेवल होता है ऑटोमेशन में, इसमें मेनली कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। इट कंसर्न्ड विथ ऑल द फंक्शंस नेसेसरी टू मैनेज द कंपनी। इसका कंसर्न कंपनी को मैनेज करने के सभी तरह के नेसेसरी फंक्शन से होता है, जैसे कि मार्केटिंग एंड सेल्स। हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, अधिक से अधिक लोग जाने, तो मेरा क्या होगा, सेल अधिक होगा, बिक्री अधिक होगी। अकाउंटिंग, पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो, बैलेंस शीट, ये सब उसमें देखते हैं। डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, देखने में अच्छा हो। रिसर्च, किस फील्ड में और क्या चल रहा है उसको रिसर्च करके हम अपना नया प्रोडक्ट बनाएं। एग्रीगेट प्लानिंग, इसे समझते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है? यह एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एडवांस में एग्रीगेट प्लान बनाता है, जिससे कि मैनेजमेंट को ये आइडिया दिया जाता है कि कैसे ऑपरेशन को टोटल कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके। कहने का मतलब क्या है कि एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसमें हम एडवांस में एक प्लान बनाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को एक आइडिया दे सके कि कैसे हम ऑपरेशन के टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। एंड नेक्स्ट है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इसे भी समझते हैं। यह एक ऐसा प्लान है जो अक्सर मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड होता है, जहाँ पर यह प्लान ये इंडिकेट करता है कि कब और कितना प्रोडक्शन का डिमांड होगा, कब कितना प्रोडक्ट का डिमांड होगा। द कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज यूजुअली मैनेज यूजिंग इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आमतौर पर ERP मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का उपयोग करके मैनेज करता है। लेवल ऑफ ऑटोमेशन, इसको हम समरी देखते हैं एक जगह कि डिवाइस लेवल है, यहाँ क्या क्या होता है, सेंसर, एक्चुएटर और अलग तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। लेवल टू क्या होते हैं, मशीन लेवल, यहाँ क्या होते हैं, इंडिविजुअल मशीन होते हैं, मशीन टूल होते हैं हमारे, जो मशीन काम करते हैं, जहाँ पर हम पार्ट प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वर्क करते हैं। अगला क्या है मेरा लेवल थ्री, सेल और सिस्टम लेवल। यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का ग्रुप होता है, जहाँ मशीन होता है, जहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन करता है। चौथा क्या है प्लांट लेवल, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम को मिनिमाइज, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और पांचवा है इंटरप्राइज लेवल, यहाँ पर क्या होता है कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हम इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। तो ऊपर से नीचे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पास होता है, और नीचे से ऊपर क्या होता है, मेरा वर्क प्रोसेस करता है, वर्क का प्रोग्रेस होता है। मैंने रेफरेंस के लिए इस बुक को यूज किया था, अगर आपको इसमें अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसका मैंने नाम और सब कुछ दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।